सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखिए ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी एक्शन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। अभी मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इन सारी चीज़ों के कम्बिनेशन को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट में हमारा काम क्या होता है कि हमारी जो इनपुट है वो मिनिमम कम से कम हो और हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो आउटपुट है, जो रिवार्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हम मैनेजमेंट में करते हैं। अभी बात आ जाती है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है ना, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं जो भी एक्शंस, जो भी काम, जो भी एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं, लाइक प्रोडक्ट बन रही है, ये क्या हो रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं। कोई हम प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारे के ऑपरेशंस हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे ऑपरेशंस को हम देखते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, इनके बारे में प्लानिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और ये प्लानिंग, कंट्रोलिंग ये कौन करते हैं, हमारे सुपरवाइज़र, हमारे मैनेजर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बस ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारी आउटपुट है, हमारे जो एक्शंस हो रहे हैं वो एक बेस्ट वे में हो, एक अच्छे तरीके से, एक सूटेबल मैनर्स में रहकर हम उन्हें परफॉर्म कर सकें ताकि वो अच्छे से अच्छे, एफिशिएंटली, एफिशिएंसी के साथ वो सरंजाम हो, वो परफॉर्म हो। तो ये छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।